दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। लाली का सारा समय अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां उठाने में ही निकल जाया करता था। उसे कुकिंग का बहुत शौक था। सिर्फ यही काम था जो वो अपने लिए करती थी। उसके ससुराल में सब उसे बहुत पसंद करते थे, सिवाय उसके पति अनूप के, जिस वजह से वो कभी लाली से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक दिन अनूप हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी उसका दोस्त राहुल और उसकी पत्नी कीर्ति उससे मिलने घर आते हैं, जिन्हें देखकर अनूप अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाता है। मेरा दोस्त और उसकी वाइफ पहली बार हमारे घर आए हैं, इनके लिए कुछ अच्छा बनाओ जाकर। भाई ये कौन है? साले, तुझे पता भी कैसे होगा, तू शादी में आया ही कहाँ था? मतलब ये तेरी वाइफ है? हाँ भाई, यही है मेरी वाइफ। बाबूजी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जैसे अनूप की पसंद थी ना, उस हिसाब से मुझे लगता कोई मॉडर्न सी लड़की आएगी वेस्टर्न कपड़ों में। लेकिन भाभी जी आपको तो देख रहा हूँ तो आप तो बहुत सिंपल तरीके से आए हो साड़ी में। आपकी बात बिल्कुल सही है राहुल जी, इनकी पसंद होती तो शायद ऐसी ही होती, लेकिन मैं अनूप जी की नहीं उनकी माँ की पसंद हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था भाभी जी, मेरा कहने का मतलब था अनूप को सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियाँ पसंद थी, जैसे कि जॉब करने वाली लड़कियाँ। हो गया आपका, अब चुप भी होंगे या नहीं? जब से आए हैं बोले ही जा रहे हैं। कीर्ति तुम उसे क्यों सुना रही हो, ये तो सही कह रहा है। अनूप तुम ऐसे अपनी पत्नी की इंसल्ट नहीं कर सकते कि कोई भी उसे कुछ भी बोल रहा है और तुम चुपचाप सुने जा रहे हो। यार तुम लोग तो मेरे दोस्त हो, तुम्हारे सामने क्या इंसल्ट। ठीक है आप लोग बैठिए, मैं अच्छा सा कुछ बना कर लाती हूँ। लाली इतना कहकर किचन में जाकर अनूप के दोस्तों के लिए अपनी सबसे पसंदीदा रेसिपी पाव भाजी बना कर लाती है, जिसे खाने के बाद उसके दोस्त लाली की कुकिंग की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन इससे भी अनूप पर कोई असर नहीं होता। कुछ समय बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है और लाली अपनी किचन के कामों में लग जाती है। थोड़े समय बाद उसकी सास सुरेखा उसके पास आकर कहती है, बहू तो कितना काम करती है, हमेशा सबके लिए सोचती रहती है, कभी अपने लिए भी कुछ सोच लिया कर। कभी कभी मुझे लगता है मैंने अपने बेटे से तेरी शादी करवा के ही गलती कर दी, उसे नलायक को तो तेरा कोई मोल ही नहीं है। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है बहू, अब तू भी थोड़ा आराम कर ले, सुबह से काम में लगी है। जी माँ जी, बस मुझे कुछ डब्बे पाव भाजी के पैक करने हैं, वो कर लूँ उसके बाद आराम कर लूँगी। अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ठीक है बहू, लेकिन तू ये पाव भाजी पैक करके कहाँ भेजती है? जी माँ जी, मैंने घर बैठकर ही अपना ऑनलाइन काम करना शुरू किया है, जिससे मैं घर भी देख लूँगी और अपनी पसंद का कुछ कर भी लूँगी। बहू अब मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तू जो भी करेगी सही ही करेगी। जी माँ जी। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है और लाली ऑनलाइन के काम में बिजी हो जाती है। और कुछ समय बाद सचिन नाम का डिलीवरी बॉय उसके घर आता है और सारे डब्बे लेकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और समय के साथ लाली पाव भाजी का ऑनलाइन काम भी बहुत अच्छे से चलाने लगती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। एक दिन अनूप ऑफिस से जल्दी घर आता है और अपने घर से डिलीवरी बॉय को बैग के साथ जाते हुए देखता है, जिस पर वो कहता है, माँ ये सब क्या है और आपकी बहू कहाँ है? लो आ गई मेरी बहू। एक बात बताना, ये हमारे घर में चल क्या रहा है? डिलीवरी बॉय हमारे घर से किसी चीज के इतने सारे बॉक्स लेकर जा रहा है। अनूप जी मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश करी पर आपने मेरी बात नहीं सुनी, वो मैं अपना। चुप करो यार तुम, तुम्हारा अपना क्या? देखो यहाँ लंगर नहीं चल रहा है, जो तुम ऐसे दोनों हाथों से मेरे पैसे को बर्बाद करो, खुद के खर्चे तो उठाए नहीं जा रहे हैं और दूसरों को दान बांटने का शौक चढ़ा है। आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। बहू सही कह रही है, गुस्सा करने से पहले उसकी पूरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना कहकर अनूप गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बाद लाली भी चुपचाप दुखी मन से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अनूप के पास उसके दोस्त राहुल का कॉल आता है और वो उसे कहता है, भाई संडे का तो सही फायदा तू उठा रहा है, वे अब उठ जा, 12 बज गए, कब तक सोएगा? भाई तूने ये बताने के लिए मेरी नींद खराब की है। नहीं अनूप, राहुल को तुम्हें कॉल करने के लिए मैंने ही कहा था,
वो क्या है ना, आज संडे है तो हमने सोचा क्यों ना कहीं बाहर खाने चले, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ हमें लाली पाव भाजी नाम से एक डिश मिली खाने को, जो कि वहाँ की फेमस डिश है और महंगी भी। उसका नाम देखते ही हमें तेरी बीवी का नाम याद आ गया, तो सोचा तुझे ही याद कर लें। हो गया तुम दोनों का, यही बकवास करने के लिए कॉल किया है। दुनिया की सारी लाली क्या मेरी ही बीवी होंगी, वो भी इतनी फेमस नाम वाली। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है भाई जो मेरी बीवी ऐसा कुछ कर सके। करने की छोड़, उसे ऑनलाइन कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। एक काम करना, कल जब तुम ऑफिस आना तो हम लंच में लाली पाव भाजी ही मंगवा लेंगे, तब तुम भी उसके दीवाने हो जाओगे। ओके। अगले दिन अनूप अपने ऑफिस जाता है और अपने कामों में लग जाता है। कुछ समय लंच के टाइम उसका दोस्त राहुल और उसकी बीवी दोनों उसके पास आकर कहते हैं, चलो भाई लंच हो गया, कितना काम करोगे, चलो हम तुम्हें तुम्हारी बीवी के नाम की फेमस डिश लाली पाव भाजी खिलाते हैं। कल से तुम दोनों मेरा सिर खा रहे हो, एक काम करो आज मंगवा ही लो, मैं भी टेस्ट करता हूँ। ओके डन। इतना कहकर राहुल उस रेस्टोरेंट में कॉल करके लाली पाव भाजी की डिश ऑर्डर करता है और कुछ समय बाद डिलीवरी बॉय उनका पार्सल देने आता है और उसे देखते ही अनूप को याद आता है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा है। जब तक वो कुछ कहता तब तक वो डिलीवरी बॉय जा चुका था और सभी लोग फेमस लाली पाव भाजी खाना शुरू करते हैं। अनूप को सच में वो पाव भाजी बहुत पसंद आती है और वो आए दिन उसे ऑर्डर करता रहता है, इस बात से अनजान कि फेमस लाली पाव भाजी वाली कोई और नहीं उसकी खुद की बीवी है। कुछ समय बीतता है और एक दिन फिर से जब अनूप अपने ऑफिस से घर वापस आता है तो वो उस डिलीवरी बॉय को अपनी बीवी के साथ खड़ा देखता है, जिस पर वो लाली से कहता है, तुमने अपना ये दान करना नहीं छोड़ा ना, तुम रोज रोज मेरे पैसे और मेरे घर का राशन क्यों खराब कर रही हो, क्या मिलता है तुम्हें, ये पैसा क्या तुम्हारे मायके से आता है क्या? सर आप अपनी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकते। साले तू है कौन जो मुझे सिखा रहा है कि मुझे अपनी बीवी से कैसे बात करनी है? सर मैडम मुझे अपना भाई मानती है इसीलिए बोल पड़ा, और जिन्हें आप पैसे की धमकी दे रहे हैं आपके महीने की सैलरी भी उनके एक दिन की सैलरी के बराबर नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ, आप जो लाली पाव भाजी रोज खाते हैं ना वो कहीं और से नहीं यहीं से डिलीवर होता है। हमारे रेस्टोरेंट के लिए इनकी लाली पाव भाजी इतनी फेमस हो गई है कि हमें उनके ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो जाता है, और इनकी वजह से हमारे रेस्टोरेंट की रेटिंग भी आज सबसे हाई है। भैया आप जाओ। डिलीवरी बॉय की सारी बातें सुनने के बाद अनूप अपनी बीवी लाली से पूरी बात पूछता है, जिस पर वो अपने पति को लाली से फेमस लाली पाव भाजी वाली बनने तक की पूरी कहानी बताती है। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश करी पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी और ना ही सुना, मुझे माफ कर दीजिए, आज आपको ऐसे अचानक मेरे काम के बारे में पता चला, वो भी किसी और से। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारे टैलेंट को समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसे दुनिया ने पसंद किया तुम्हारे इतने पास रहते हुए भी मैं उसे देख ही नहीं पाया, सॉरी। लाली अपने टैलेंट के जरिए लाली से फेमस लाली पाव भाजी वाली बन गई थी, जिससे लोगों के साथ साथ वो अपने पति का दिल भी जीत लेती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हुनर की कोई सीमा नहीं होती, उसे इंसान कैसे भी कहीं भी यूज कर सकता है। प्रभास कॉलेज के कॉरिडोर से छुप छुप कर देविका को अपने दोस्तों से बात करता हुआ प्यार से निहार रहा था, तभी पीछे से उसका दोस्त मोहित वहां आता है और उसके सर पर मारता हुआ बोलता है, बेटा तू उसे निहारता ही रहेगा और वो किसी और के साथ सेट होकर निकल जाएगी। अरे यार बात बात करने की सोचता हूँ पर वो अकेली हो तब ना, उसकी ये सहेलियाँ हमेशा ही उससे चुपकी रहती हैं। अरे तो यहाँ खड़े होकर निहारने से कुछ नहीं उखड़ने वाला समझा, चल प्ले की प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है। हाँ चल यार। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रभास को देविका से पहली नजर में ही प्यार हो गया था पर वो अब तक उसे कह नहीं पाया था, इसीलिए वो उसे छुप छुप कर देखा करता था। एक सुबह देविका अपने सपनों में खोई हुई बिस्तर पर सो रही थी, तभी उसकी माँ मीता वहाँ आती है और कहती है, देविका उठ जा, कॉलेज नहीं जाना तुझे, रात को 9 बजे ही बिस्तर पकड़ लेती है फिर भी इसकी नींद पूरी नहीं होती। उठ गई, खुश हो? रहने दे, अभी तो माँ के घर है, 8-8 बजे तक घोड़े बेचकर सोती रहती है, ऐसे ही लक्षण रहे तो तेरी सास मुझे ही गालियाँ देगी कि कैसी माँ है इसकी,
जो इसे कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा ससुराल। अरे माँ सास कैसी भी हो चलेगा, लेकिन मुझे पति बाहुबली जैसा चाहिए। अच्छा जी, तो तुझे ताकतवर पति चाहिए। अरे माँ मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति की मुझे बाहुबली जैसी हो, क्योंकि मुझे मूंछों वाले लड़के ना बहुत पसंद है। चल बस कर, माँ से कोई ऐसे बातें करता है क्या बेशरम लड़की, जा जाकर तैयार हो। वो फ्रेश होने चली जाती है और कुछ देर में तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है। वहीं प्रभास अपने प्ले में बाहुबली का रोल कर रहा था, जिसके कारण वो उसी के जैसा तैयार होता है और प्ले खत्म होने के बाद चेंज करने जाता है। वो अपना मुकुट कपड़े सब चेंज कर लेता है, लेकिन मूंछ उतारना तो भूल ही जाता है और ऐसे ही मोहित के साथ जाने लगता है। उसी वक्त देविका की नजर प्रभास पर पड़ती है और वो उसे देखकर खुशी से पागल हो जाती है और एकदम से उसके सामने आकर बोलती है, आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी मुझे असली है क्या जी प्रभास कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी मोहित वहाँ आता है और कहता है, असली, अरे एकदम असली है, अब नकली मुझे लगाकर कौन माइका लाल घूमता है, वैसे इसका नाम प्रभास है। प्रभास, ये तो बाहुबली का ही असली नाम है यार, बहुत यूनिक नाम है, बिल्कुल आपकी मूंछों की तरह। प्रभास, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मेरा नंबर? हाँ क्यों नहीं दे सकते। अरे नंबर क्या, ये तो तुम्हें अपनी इंस्टा फेसबुक टिंडर आईडी भी दे सकता है। और इस तरह मोहित उन दोनों के नंबर एक्सचेंज करवा देता है और देविका वहाँ से चली जाती है। तभी प्रभास उसके सर पर मारते हुए बोलता है, अबे साले झूठ क्यों बोला उसे कि मेरी मुझे असली है। तो क्या बोलता, नहीं नहीं ये तो नकली है, अपना प्रभास तो चिकना है जिसकी मूंछों के नाम पर एक बाल भी नहीं आता, ऐसा ही था तो तू मूंछ लगाकर घूम क्यों रहा था। अरे यार मैं तो गलती से इन्हें उतारना ही भूल गया। अबे भूतनी के भूल गया था तो अब भी भूल ही जा, देखा नहीं तूने जिसे तू छुप छुप कर देखा करता था उसने तुझसे खुदा कर बात की। क्यों? अबे गधे तेरी इन नकली मूंछों को देखकर। और क्यों, इसका मतलब देविका को मूंछों वाले लड़के पसंद है और तुझे अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाना है तो तुझे इन नकली मूंछों का सहारा लेना ही होगा प्रभास। इतना कहकर वो प्रभास को समझा देता है और उस दिन से प्रभास और देविका में ऑनलाइन चैटिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है जिससे देविका भी अब प्रभास से प्यार करने लगी थी। एक दिन जब प्रभास मूछे लगाकर घर से निकल रहा होता है तभी उसकी माँ विनीता उसे टोकते हुए बोलती है, अरे प्रभास रुक तो सही, ये तेरी खुद की मूछे हैं क्या? नहीं उधार मांग कर लगाई हैं। अरे माँ मेरी ही मूछे हैं। अरे एकदम से तूने अपनी मूछे बढ़ा ली तो पूछना तो बनता है ना, पहले तो तेरी जरा सी मूछे आती थी उन्हें भी तो शेव कर लेता था। अरे माँ वही मूछे जरा जरा सी घनी हो गई हैं और जवानी में तो आती ही हैं मूछे। वैसे तू बिना मूछों के ज्यादा अच्छा लगता है बेटा। क्या माँ बिना, चलो माँ मैं निकलता हूँ अब। जिसके बाद वो घर से निकल जाता है और शाम को जब वो देविका से मिलता है तो देविका बोलती है, प्रभास कभी कभी मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि एक ही कॉलेज में रहते हुए भी हमने कभी एक दूसरे को नोटिस नहीं किया, स्पेशली मैंने तुम्हें नहीं किया। तुम्हें पता है मेरी हमेशा से एक ही विश थी कि मेरे हस्बैंड की मुझे बिल्कुल बाहुबली के जैसी हो, और देखो भगवान ने मेरी सुनी। अच्छा देविका, अगर मैं अपनी ये मूछे कटवा लूं या क्लीन शेव करके तुम्हारे सामने आऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसे देखकर सदमे में चली जाऊंगी। मुझे तुम इन मूछों के साथ ही बहुत पसंद हो। और ऐसे ही समय बीतता है, दोनों अपने प्यार के बारे में अपने पेरेंट्स को बताते हैं, जिसके बाद वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक सुबह नहाते वक्त प्रभास की मूछे बाथरूम में गिरकर पानी के बहाव से नाली में चली जाती है। जब वो तौलिए में बाहर आता है तो आकर शीशा देखकर बोलता है, अरे मेरी मूछे कहाँ गई? मैंने नहाने से पहले उन्हें उतारा तो था ना, अगर नहीं उतारा होगा तो। प्रभास आप तैयार हो गए क्या? अरे देविका तो यहीं आ रही है, अब मैं क्या करूं? मुझे बिना मूछों के देखकर तो वो पागल ही हो जाएगी, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उधर देविका हॉल से आवाज लगाते हुए कमरे में आ ही रही होती है कि तभी
प्रभास जल्दी से अपने मुंह पर रुमाल बांध लेता है और देविका कमरे में आकर बोलती है, सुनिए प्रभास, मैं क्या कह रही थी कि आपने अपने मुंह पर ये रुमाल क्यों बांधा है? वो अच्छी वो ठंडे पानी से नहाया हूँ ना तो छींके आने लगी हैं और छींकने से इन्फेक्शन होता है ना, अच्छी इसलिए बांध लिया। अरे पर मैंने तो गर्म पानी रखा था, आप उससे क्यों नहीं नहाए? वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अजी आप भी ना, चलिए रुकिए मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है और प्रभास चैन की सांस लेकर रुमाल खोलता है और कहता है, आज तो मेरी नकली मूंछों का राज खुलने ही वाला था, मुझे जल्द ही नई मूंछों का जुगाड़ करना पड़ेगा। और शाम को वो अपने दोस्त मोहित को बोलकर दूसरी नकली मूंछ मंगवा लेता है और उसे पहनकर घर आता है। रात को खाना खाने के बाद जब सब सोने चले जाते हैं तो देविका प्रभास के करीब आकर बोलती है, अब भी आपको ठंड लग रही है क्या? ठंड? ओ नहीं नहीं, वो तो बस नहाने के कुछ देर में नॉर्मल हो गया था। वैसे इतना करीब क्यों आ रही हो तुम? आप भी ना, आपके करीब नहीं आऊंगी तो क्या पड़ोसियों के करीब जाऊंगी? हाय आपकी मुझे, इनकी तो बात ही कुछ और है। इतना कहकर वो अपने दोनों हाथों से उसकी मूंछों को ताव देने लगती है और नकली मूंछे होने के कारण प्रभास की मूंछे निकलकर उसके हाथ में आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरानी से प्रभास को देखती है और चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब विनीता पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाती है तो वो उठते ही फिर से प्रभास को देखती है और दहाड़े मारकर रोते हुए बोलती है, हाय मेरे पति की तो मूंछे ही नहीं है, वो नकली मूंछे लगाकर घूम रहा था, अब कैसा लग रहा है, चिकना मीठा, हाय हाय। अरे बहू पागल हो गई है क्या, मूंछे ही सब कुछ है क्या तेरे लिए, प्रभास कुछ नहीं? अरे सासू माँ मैं सदमे में हूँ, इनकी घनी मुझे बस एक दिखावा थी, आज तक जो मुझे दिखाते रहे ये तो सफा जट निकले, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझे धोखा दिया इस आदमी ने। इतना कहकर वो सट से बैग पैक किए बिना किसी की सुने और फट से अपने मायके निकल जाती है। उसकी माँ के काफी समझाने पर भी वो नहीं मानती। अभी तो मैंने कहा ही था और आप आ भी गए। देविका माफ कर दो, तुम्हारा प्यार पाने के लिए नकली मूंछे पहनी मैंने, क्या करता मेरी मूंछे आती ही नहीं। लेकिन देखो इन सब में से जो मूंछ तुम्हें पसंद होगी मैं उसे ही मजबूत जोड़ वाले फेविकोल से चिपका लूंगा, पर प्लीज घर वापस चलो। मुझे अब इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे जैसे हैं वैसे ही बहुत पसंद है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और आखिरकार देविका बिना मूंछ वाले पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एकता का सारा सच राज की आंखों के सामने आ जाता है और वो एकता से बोलता है, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? और नहीं तो क्या बुद्धू, भला मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार और शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर वो सब क्या था, शादी के कार्ड छपवाना, मेरी ही आंखों के सामने उसके साथ हंस हंस कर बातें करना, बाहों में बाहें डालकर घूमना? वो सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम जेलस फील कर सको, जैसे कि तुमने किया। पता है मैं तुम्हें वैसे देखकर कितना खुश हो रही थी, कितना मजा आ रहा था मुझे। अच्छा जी, तुम्हें मजा आ रहा था और मेरी जान निकले जा रही थी। ओ माय बेबी, मजाक से अलग सच कहूँ तो मुझे भी बुरा लग रहा था ये सब करते हुए। लेकिन अब भावना का क्या होगा? मतलब जब तुमने शादी करने का फैसला कर ही लिया था तो मैंने भी भावना से शादी करने का फैसला लिया था, अब तुम ही बताओ क्या होगा उसका? तुम मना कर दो उसे, मैं जानती हूँ उसका दिल टूट जाएगा, पर सारी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा तो यही होगा कि उसका दिल टूट जाए। मैं देखता हूँ कुछ, मुझे उसके पास जाना होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है। राज एकता को लेकर भावना के घर जाता है। भावना पहले ही घर को अच्छे से सजाकर राज का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही राज एकता को लेकर उसके पास पहुंचता है, भावना एकता को देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो राज से बोलती है, ये यहाँ क्यों आई है राज? हम पहले अंदर चलते हैं ना, अंदर बैठकर आराम से बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी के अभी यही बताओ कि ये यहाँ क्या करने आई है। देखो भावना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, सो प्लीज हम अंदर चलें। ठीक है चलो। भावना उन्हें घर के अंदर ले आती है, फिर वो सब बैठकर बातें करते हैं। भावना एकता से बोलती है, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? वो मैं ये कह रही थी कि अच्छा पहले ये बताओ
आज तो तुम्हारी शादी थी ना, फिर अपनी शादी छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने शादी नहीं की। लेकिन क्यों नहीं की? क्योंकि मैं राज से प्यार करती हूँ और राज के सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम क्या कह रही हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं राज से प्यार करती हूँ और वो मुझसे, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा राज के साथ होना ही सबसे गलत है। अरे मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ राज से और शादी भी करना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता भावना, ये ख्याल तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तो तुम निकाल दो ना। और वैसे भी तुम्हें तो बहुत अच्छे से आता है ना छोड़कर जाना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस राज के साथ एक छोटा सा मजाक कर रही थी। पर मैं कोई मजाक नहीं कर रही। ये पागलपन अच्छा नहीं है भावना, और तुम भी तो कुछ बोलो इसे। हाँ भावना, एकता सही कह रही है। देखो मैं तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं मान सकूंगा, ना ही वो सब दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैं जानता हूँ मैंने कहा था, पर मैं उस वक्त बहक गया था इसीलिए वो सब बोल दिया। पर दिल से मैं एकता से ही प्यार करता हूँ और इसी से शादी भी करूँगा। बात को समझो भावना। ठीक है राज, तुम मुझसे प्यार नहीं करते समझ आता है, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते ये भी समझ आता है, लेकिन तुम मुझे खुद के लिए कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, तुम दोनों शादी करना चाहते हो ना? हाँ करना चाहते हैं। ठीक है फिर, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम सच बोल रही हो ना भावना? कहीं हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही? मैं क्या तुमसे मजाक करूंगी, जिसकी किस्मत खुद उसके जिंदगी के साथ मजाक कर रही हो। अच्छा वैसे तुम करना क्या चाहती हो? बता दूंगी, थोड़ा वेट करो। ठीक है अब हमें चलना चाहिए एकता। हाँ हाँ क्यों नहीं चलते हैं। एकता और राज वहाँ से जाने लगते हैं, तभी भावना उन्हें रोकते हुए बोलती है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम, कुछ चाय नाश्ता तो कर लेते। नहीं नहीं हम ऐसे ही ठीक हैं, थैंक यू। हाँ भावना हम ऐसे ही ठीक हैं, तुम चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखो, हम चलते हैं। ठीक है जैसी आप लोगों की मर्जी। तुम हमारी शादी में आओगी ना? देखते हैं। तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर एकता और राज वहाँ से चले जाते हैं और सीधे अपने घर आते हैं। घर आकर एकता राज से बोलती है। राज पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी जब भावना ने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। अच्छा अब पता चला कि कैसा लगता है जब कोई और आकर आपके चाहने वाले पर अपना हक जताता है। हाँ राज मैं समझ गई कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब मैं सुधीर के साथ मिलकर तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं एकता, अब जो भी हुआ सब भूल जाओ, हम इस बारे में अब कोई और बात नहीं करेंगे। ठीक है बेबी, रोमांटिक बातें तो कर सकते हैं ना? उसके लिए तो मैं कभी भी तैयार हूँ। अच्छा उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है भूख तो मुझे भी लगी है वैसे, चलो मिलकर कुछ बनाते हैं। ओके बेबी। दोनों मिलकर किचन में चले जाते हैं और कुछ खाने के लिए बनाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद वो साथ में मिलकर खाना खाते हैं और फिर छोटे मोटे काम खत्म करके एकता राज के पास आती है और उसे बोलती है। अच्छा बीबी सुनो ना। हाँ बोलो। मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। क्या करना चाहती हो? ऐसा कुछ जो पहले कभी ना किया हो, जिसे करने में अलग ही एहसास हो। यार बेबी तुम इतना सस्पेंस क्यों बना रही हो, सीधे बोल दो ना करना क्या है। कुछ नहीं सो जाओ तुम, मैं भी सो रही हूँ। सच में सो रही हो, मुझे लगा तुम मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। तुम्हारे साथ क्या? कुछ नहीं तुम सो जाओ। बोलो ना राज, देखो तुम्हें मेरी कसम। अच्छा ठीक है मैं बस यही कह रहा था कि मेरा भी कुछ करने का मन कर रहा है, जैसे तुम्हारा कर रहा है। अच्छा तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? लो अभी करता हूँ। राज एकता को लेकर बेड पर जाता है, फिर वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन जब राज उठता है तो उसके फोन पर एक मैसेज होता है। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि भावना का होता है। राज उस मैसेज को पढ़ता है। डियर राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। यही है वो गिफ्ट जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, अपनी जान। इसीलिए अपनी जान मैं तुम्हें दे रही हूँ, अगर तुम मुझे बचा सकते हो तो बचा लो, तुम्हारी भावना। राज उसके मैसेज को पढ़कर खुद से बोलता है। भावना ये सब क्यों कर रही हो तुम, मुझे जल्दी करनी होगी, इससे पहले बहुत देर हो जाए। एकता को इस बारे में बताना सही रहेगा या नहीं? अभी रहने देता हूँ, बाद में बता दूंगा, मैं अभी भावना के पास जाता हूँ। राज जल्दी से भावना के पास उसके घर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि भावना अपने कमरे में नहीं है। वो उसे घर में चारों तरफ ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती।
जिसके बाद वो खुद से बोलता है। भावना कहाँ जा सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने साथ कुछ कर लिया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर में अभी एक जगह बची है जहाँ मैंने उसे नहीं देखा। मैं उसे छत पर जाकर देखता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर राज भावना को देखने के लिए छत पे जाता है। वो इस बार उसे मिल जाती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैसेज किया था मुझे? तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। ये सब तुम क्यों कर रही हो यार? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ एकता से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। इस बात को मान क्यों नहीं लेती? कैसे मान लूँ राज, ये दिल दिमाग सब कुछ तो तुम्हारा हो चुका है। मेरे रोम रोम में बस तुम ही तुम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये नहीं हो सकता भावना, और जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो। मैं घर वापस जा रहा हूँ, और दोबारा ऐसा कोई मैसेज मुझे किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर राज वहाँ से जाने लगता है। तभी भावना उसके सामने आकर उसे बोलती है, ठीक है तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक छोटा सा काम करते जाओ। कैसा काम? अपने हाथों से मेरी जान लेते जाओ। यार तुम पागल वागल हो गई हो क्या कुछ? मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम्हारी अकल में बात घुस नहीं रही क्या? हटो मेरे रास्ते से, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राज वहाँ से फिर जाने लगता है। उसके जाते ही भावना अपने हाथ की नस काट लेती है और राज को आवाज लगाती है, राज अब क्या है भावना? राज भावना के पास जाता है। इतने में वो नीचे गिर चुकी होती है। राज उसे ऐसे नीचे गिरा देखकर वो उसके हाथ में से निकलने वाले खून को देख लेता है और उसे बोलता है, ये तुमने क्या कर लिया भावना? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे तो क्या करती? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं राज, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। पागल मत बनो, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी जब तक तुम मुझसे ये वादा नहीं कर देते कि तुम मुझसे शादी करोगे। भावना ये मत करो यार। वादा करते हो या नहीं? ठीक है। इसके बाद राज भावना को हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ वो उसकी ड्रेसिंग करवाता है। इसके बाद उसने जो वादा भावना से किया था उसे पूरा करने के लिए वो दोनों मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राज भावना को अपने घर ले आता है। एकता को जब इस बात का पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो राज की बात और उसके हालात को समझती है, इसीलिए उससे कोई शिकायत नहीं करती और खुद भी सुधीर के साथ शादी कर लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।